हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ दिस नवरात्रि ट्रिप। आई होप आपने फर्स्ट व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हो। जो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता ना, दैट इज़ ऑलवेज स्पेशल एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेट अ लॉट ऑफ यू गाइज। मेरे को मैंने अभी DMs चेक किए, ऑडियंस में आप लोग विजिटर्स पासिस में बैठे थे और आपने मेरी दूर से वीडियोज़ बनाई हैं एंड यू गाइज हैव सेंट मी दोज एंड दैट इज़ सो स्पेशल टू मी। हैव टू गो गेट माई कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, उसके बाद आई हैव टू कैच अ कैब टू सूरत। सो मैं सूरत जा रही हूँ गोपाली और जानवी तिवारी सिस्टर्स से मिलने। दे इन्वाइटेड मी, देवर लाइक वडोदरा आओगे तो यहाँ आए बिना अगर तुम गए ना सूरत तो देख लेना फिर। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं ज़रूर आऊँगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट दैम। वी प्रॉबेबली विल कोलैब, लाइक हम लोग ब्लॉग भी कर रहे हैं एंड साथ में जानवी के चैनल के लिए वी आर शूटिंग अ वीडियो। 3 hour ड्राइव है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लेट्स गेट सम ब्रेकफास्ट फर्स्ट। सो वी आर एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट का रेस्टोरेंट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे है उस साइड में एंड दिस इज़ वॉट आई एम हैविंग। आलू की सब्जी जिसके ऊपर मैंने सेवियाँ और धनिया डाल दिया है, लव ऐसे टाइप का क्रंची टेक्स्चर। देन खमन ढोकला, साथ में चटनी, दही, थोड़ी सी नमकीन है, पोटेटोज़ हैं, पालक का पकौड़ा, ये कल भी बहुत टेस्टी था, बेक्ड योगर्ट एंड मसाला पूड़ी। सो दिस इज़ गोना बी माई ब्रेकी एंड विद दैट आई एम गोना हैव ईदर चाय और कॉफ़ी। वडोदरा, यू बीन ग्रेट, इट्स टाइम टू मूव ऑन to Surat. So this is the outfit that I'm wearing. I got this kurti जो थोड़ा ऐसे धोती style में है from Myntra. It's from this brand called Mabish by Sonal Jain. Back in the day I used to intern with them for their social media. I have a like back story, fetus quirky connection with them. But उनके design काफ़ी अच्छे and soothing होते हैं एंड ये मेरे कुल गुजरात trip के लिए लग रहा है। And जो कल मैंने पहने थे ना लाजपत नगर वाले slippers, बहुत comfortable थे and that is what I'm wearing. Some basic hoop earring and this kada and I'm ready to go. अब मैंने Uber book की है, so I'll just keep my bags at the hotel and मैं सीधा गोपाली के घर जाऊंगी। या फिर she was saying she'll pick me up. Let's see and let's go. वाह, एक जो शीत लहर आई है, ठंडी हवा मेरे मुंह पे। दिस इज कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ये बिल्कुल एंट्री करते ऐसे ही अलमीरा, ऐसे ही फुल लेंथ मिरर। थोड़ा सा साइज में क्रंच फील हो रहा है जितना वो खुला था। एंड हियर इज द रूम, टीवी, सेम स्पॉट, सब कुछ थोड़ा छोटा छोटा है। हमारा लगेज आ गया है एंड उस रूम में काउच था, यहाँ वो काउच की जगह नहीं है। सो ये चेयर, टेबल, ये सब है, बेड है। एंड द थिंग दैट आई हेट द मोस्ट इज ये ट्रांसपेरेंट बाथरूम। लाइक व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस वन, ऐसे शेड नीचे करना ही पड़ेगा। बट द व्यू फ्रॉम हेयर इज रियली नाइस। यहाँ पे पूल है, यहाँ पे गार्डन है, ये थोड़ा सा लेक टाइप एरिया है एंड यू कैन सी सूरत फ्रॉम हेयर। क्या हमें नाला व्यू रूम दे दिया? पर इट्स ओके, द नाला लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स अ प्रीटी नाला। आई जस्ट वोक अप फ्रॉम माय नैप एंड आई हैव टू गेट रेडी टू मीट जानवी एंड गोपाली। हम कुछ गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ फिल्म करने वाले हैं, सो आई डोंट थिंक कि मुझे मेकअप वगैरह बेस कुछ लगाना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोना डू सम सिंपल स्किन केयर। ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग मैं ट्राई करती हूँ कि अगर बेस ना लगाना हो तो सनस्क्रीन तो जरूरी लाऊं, बट मैनी ऑफ अस ड्रॉप द आइडिया ऑफ यूजिंग अ सनस्क्रीन क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन क्लेम तो करते हैं कि वो आपको सन से प्रोटेक्ट करेंगे बट दे एंड अप गिविंग यू व्हाइट कास्ट एंड उससे काफी स्किन ग्रीजी भी हो जाती है। मेरी तो ऑयली स्किन है सो आई कांट टॉलरेट दैट। सो आई एम कैरिंग माय 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल बाय द डर्माको जो कि स्किन पे बहुत ज्यादा लाइटवेट है, गिव्स यू इवन स्किन टोन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी रेज। दिस इज एसपीएफ 60 PA++++ विद 26% जिंक एंड 10% टाइटेनियम ऑक्साइड। इट आल्सो हैज द बेनिफिट ऑफ मॉइस्चर बूस्टर क्योंकि इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और मॉइस्चराइज बनाएगा। इट इज अ फिजिकल सनस्क्रीन व्हिच मींस दैट इट्स सेफ फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन। नाउ इसका हीरो इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड ही है, इट हेल्प्स बाइंड वाटर टू कोलेजन, टैपिंग इट इनटू द स्किन सो दैट द स्किन कैन अपीयर plumper, dewier and more hydrated. तो आप मुझे बाहर जाना है ना तो इसको मैं 15 to 30 minutes prior use करूंगी sun exposure के। इसको gently massage करना है and reapply after every 3 to 4 hours. You can also do a patch test before you try it and you can use it every day. Now Dermaco has a young scientist initiative in which every time you buy from them they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. उन्होंने pledge किया है 10,000 plus students को help करना across the year. Also all the new products by the Dermaco are fragrance free which is great for me. So अगर आप
आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है यू कैन यूज माई कोड अदिति 2022 फॉर 20% ऑफ ऑन डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन एमेजॉन फ्लिपकार्ट एज वेल एज नायका. किसी में ब्राउज फिल कर लेती हूँ, कुर्ती वगैरह चेंज कर लेती हूँ एंड देन आई मीट यू गाइस व्हेन आई मीट दोस गाइस. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग अगेन अ कुर्ती फ्रॉम मिंत्रा. इसमें अलग अलग टाइप के प्रिंट्स हैं. इट्स एन अनारकली विद अ बेल्ट एंड आई एम वेयरिंग दिस इयररिंग बट आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इसको 10 मिनट बाद निकाल दूंगी बिकॉज दे आर अ लिटिल हैवी. इन केस दे डोंट वांट टू फिल्म अ गेट रेडी विद मी, मैं फटाफट से अपना मेकअप कर लूंगी. बट दैट इज द लुक इन सूरत. वेलकम टू सूरत बाय द वे. आई एम रियली हैप्पी. ओके सो इस बैग में मैंने सब कुछ पैक कर लिया. अपना जो चनिया चोली और आउटफिट है वो मुझे आज गरबा वगैरह नाइट लेके जाएंगे एंड इसमें मैं अपना मेकअप और हेयर वाले प्रोडक्ट्स कैरी कर रही हूँ. अ वेरी बिग पैकेज बट यू डू नीड दैट व्हेन यू आर अंडर स्टूडियो लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो वेरी प्रोफेशनल वी आर राइट हियर. देयर हेयर वी गॉट सम स्वीट्स फॉर देम. द किड इज रेडी विद ऑल द बैग पैक एंड ऑल. मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरी मम्मी ने स्पेशली कॉफी के लिए निकाला है. ये हम लेके आए थे बहुत पहले. मम्मी मुझे यूज नहीं करने देती थी. पहली बार मम्मी ने निकाला है. अगर तूने चाय गिरा दी थी मम्मी से ही डांट पिटेगी चाहते. फुल ऑन केओटिक माहौल. लेज भी हो रहा है. बस रख दो. पावरी भी करनी है, खाना भी खाना है और शूट भी करना है. हम सब करना है. हेलो गाइस, वी आर गेटिंग रेडी. वन ऑफ दीस डेज मेबी आई कैन गेट इट. सारे आंसर्स दे रही हूं आज. मैं भी यही सोच रही हूं. आई थिंक शगन के लिए मैं बीच में शायद एक ट्राई कर लूं जो बहुत कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल लगे. अगर ये लोग सचमुच ऐसा करने वाले तो आपको बहुत मजा आएंगे. Got done with the shoot. सारी रिंग लाइट करनी है ऑफ एंड अब हम जा रहे हैं डिनर करने. उसके बाद गरबा करने जाएंगे. सब रेडी हो गए हैं एंड वी आर गोइंग. ऑल्सो गाइज अ साइड नोट, इन लोगों का घर इतना ज्यादा सुंदर है. I love it. Hey!
वो छोटा हाँ बेंटो केक लेजिट ऐसा लग रहा है मेरी साइज का केक मंगाया मेरी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हेलो 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 यू गाइस इट इज द नेक्स्ट डे इन सूरत. कल इतने ज्यादा मजे किए तिवारी हाउस में आंटी से मिलके इतना अच्छा लगा. आई एम सो सॉरी बीच बीच में मैं बोल नहीं पाई क्योंकि वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर एंड आंटी द फैमिली. उनका घर देखा उनके कमरे देखे बड़ा ही मजा आया. लाइक वेन यू सी दैट उनका पूरा रहन सहन ऐसे उनके मिलके इन पर्सन सो और ज्यादा ना ह्यूमनाइज्ड एक्सपीरियंस हो जाता है. एंड देन दे टुक अस टू दिस प्लेस कॉल्ड चारकोल. वहां का खाना इतना अमेजिंग था. उसके बाद हम गरबा करने गए. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस कम्पेयर टू यूनाइटेड वे. लाइक यूनाइटेड वे इज वेरी ट्रेडिशनल इन दैट वे एंड यहाँ पे सब ग्रुप्स बना के थोड़ा कॉन्सर्टिश टाइप की वाइब थी. लाइक VIP टिकट. दे ऑल्सो टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टेप्स सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. और उसके बाद थक के वी जस्ट क्रैश्ड हियर बट ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम. इसलिए आज का भी प्लान हमने तिवारी सिस्टर्स के साथ बना लिया है. सो आज हम थोड़ा सूरत घूमने वाले हैं. मेरे मम्मी पापा ने बोला था अगर तू गुजरात से वहां की नमकीन नहीं लाई तो हम तेरे को घर में एंट्री नहीं देंगे. सो इसलिए मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे ना एक दो जगह अच्छी से बता दो कि कहां से मैं ले सकती हूँ, क्या मैं और सूरत में घूम सकती हूँ. आज मेरी शाम की फ्लाइट है सो बीच में थोड़ा सा टाइम है और चेकआउट का टाइम ऐसे 11-12 बजे का होता है तो हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे एंड थोड़ा सा सूरत घूम के ही जाएंगे. एंड उसके बाद आई एम फ्लाइंग टू वेस्ट बंगाल कोलकाता. आई रियली वॉन्टेड टू बी इन कोलकाता पूजो के टाइम पे एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड. सो आज वी आर फ्लाइंग देयर बट उससे पहले विल जस्ट चिल फॉर अ बिट. एंड उन लोगों ने ऑफर किया कि अरे तुम भी चल लो हम तुम्हें घुमा देंगे जहाँ पे. एंड आज गोपाली का बर्थडे भी हमने रात को भी सेलिब्रेट किया था. सो इट वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी फन टाइम. हमारी टूर गाइड हमें इधर लेके आई है. जानी लोचो खिलाएंगे. I'm gonna try for the first time. Do you guys like garlic? I'm okay, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं यार. तुमको कौन सा सबसे अच्छा लगता है वो वाला खिलाओ ना. Oh my God. So many locha. I really like locha and patra. Patra are the green leaf ones. क्या बोलो उसको? क्या लाइक? नेक्स्ट स्टॉप इज राजू नमकीन. हमारे टूर गाइड हमें लाए हैं अपने बर्थडे के दिन. My mom will go crazy here. यहाँ पे ना मेरी मम्मी पापा they can spend hours here. तुमने नडियादी का लेना तुमने try नहीं किया बट ये रही नडियादी में nachos maybe खाकरा आरती बे खाकरा heaven main है मेरी मसाला पिज़्ज़ा मंचूरियन. Oh my god we'll have everything here. पालक पानी should I get pizza guys? Did we get one more? क्या क्या अपना one हल्का सा स्वीट होगा बट अरे मैं कोई बहुत पसंद है. राजू नमकीन पे हमने इतनी ज्यादा शॉपिंग कर लिया है मतलब मैंने तो अभी 3-4 आइटमें डाले हैं. ईशान हैज गॉन क्रेजी एंड वी आर जस्ट सीइंग कि ये चीज हम फिट कहाँ करेंगे अपने बैग में बिकॉज मैं इतना सारा भर भर के लाई हूँ. बट लुक एट दिस यू गाइस वही तो तू ऐसे डाली जा रहा बैग में डाले कुछ नहीं हो जाएगा पे एक्स्ट्रा बट टेक दिस डोसा. Oh my god. I think chili cheese. Okay. Guys, I've hit jackpot. इतना सारा आम पापड़ I love it. We're at the billing counter and this is Ishan's lot. This is my lot and I found something really interesting for mom without onion and garlic 2-minute Maggie. Bye. 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 See you. Are you welcome? Bye. Birthday girl is going to party now. Leaving us. Bye bye. हेलो. सो आई एम इन स्टारबक्स राइट नाउ जो एयरपोर्ट के पास है. जानवी जस्ट ड्रॉप्ड अस हियर एंड दे हैड टू गो अबाउट देयर डे. हमारी फ्लाइट है इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स सो वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ कैचिंग अप. आई एम हैविंग द सिग्नेचर हॉट चॉकलेट जो मुझे बहुत पसंद है. किससे? गुजरात से. अच्छा व्हाई व्हाट हैपेंड?
मेरी चीजें मैं कहाँ रख के फिर मैं अपनी जेबें चेक करने लगा। We are travelers, you know. Yeah. What did you have? तूने क्या लिया? Cafe mocha. Cafe mocha and hot chocolate, छोटी छोटी. Guys, मेरा nail कल वो खड़ गया and I lost it, so अभी ऐसे ही रहेगा। बहुत ठंड लग रही थी एंड आई एम हैविंग सच बैड पीरियड क्रैम्प्स, और जब मेरे को ऐसे होता ना तो ठंड बहुत लगती है। तो ईशान बीइंग द जेंटलमैन ही इज अपने बैग से उसने मेरे को अपनी शर्ट निकाल के दे दी एंड आई एम वेयरिंग शर्ट ओवर शर्ट। सो अभी का प्लान ये है कि हमारी फ्लाइट हो गई है थोड़ी सी डिले शाम की एंड हमें लग रही है भूख एंड वी आर नॉट श्योर कि सूरत एयरपोर्ट पे क्या अच्छा कुछ मिलेगा, बट कल शाम को हमें जो तिवारी सिस्टर्स केस चारकोल लेके गई थी वहाँ का खाना इतना अमेजिंग था दैट वी आर प्लानिंग टू गो देयर। सो आई बुक ओला ऑटो वापस, हम सारा सामान लोड करके वी आर गोइंग देयर। आई रियली वॉन्ट टू हैव देयर रेड सॉस पास्ता, ईशान को कल आलू उलू बहुत पसंद आया था उनका, सो वी आर गोना हैव पास्तास टुगेदर एंड देन वी विल हेड टू द एयरपोर्ट। I play shot, I'm here to stay, but chalkboards and candy canes, they can all be erased, holding on to something, nothing in the end, what will I even gain? Thankful for the little things, the living hope of forgotten dreams, you've gotta try to catch that light, don't let it rot from the bitter cavities of life. Grateful for what you have, don't go somewhere else and don't look back, stay and receive here and you will have, say yes, believe here and you'll be full in time. Friday nights, weekends as the subway cars go rolling, my adventures in the city that I pop up in the nick of time, escaping this reality only to end. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोलकाता में आपका स्वागत है। ये सब तो है ही, बट इट्स अ पार्ट लाइक बच्चे वगैरह आस पास हो रहे होते हैं वो करना पड़ता है, बट दिस फ्लाइट स्मेल्स लाइक सुलभ स्वच्छ। I don't know कि सीट पर किसी ने बच्चे ने सुसु कर दिया था और वो सो गया है या फिर इन्होंने अपने टॉयलेट साफ नहीं किए हैं, बट एयर इंडिया प्लीज यू नीड टू वर्क ऑन दिस। टर्की स्क्वाड वेलकम टू कोलकाता। जहाँ से बैग ऐसे पटके जाएंगे ना शुरू में वहाँ से आ, हम वहीं से उठा लेंगे। फाइनली माई बैग इज योर, उठा लो उठा लो। हैवी गर्ल। Entered our cab and we can see a lot of ऐसे glimpse of festivities around ना पूजो के लिए, and these lights, पूरा airport भी ऐसे सजाया हुआ है। For Kolkata I really wanted to stay near the airport, so मैंने Sar City Center में room book किया है and वहाँ पे एक मेरी subscriber है जिन्होंने मुझे YouTube पे contact किया था, her name is तिलोत्तमा बैनर्जी फ्रॉम नॉट फ्रॉम। तो उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट दी है कि कहाँ कहाँ मैं अच्छा खाना यहाँ पर खा सकती हूँ, कहाँ कहाँ सबसे बेस्ट पंडाल्स लगेंगे अराउंड माई एरिया। सो शी इज़ बीन वेरी हेल्पफुल, जस्ट वांटेड टू गिव अ क्विक शाउट आउट टू हर। We are walking towards our room. It's on fourth floor. 407, 406 अभी गया यहाँ से। That is the one. जियानो। ये बिल्कुल ऐसे कोर्टयार्ड जैसे इन्होंने स्लाइडर वो लगाया है, नहीं? This is the washroom, you guys. Okay, so this is the shower area. The thing that I really love about Taj is their, मतलब हर यहाँ पे बाथरूम विद ताज का लोगो मिलता है एंड मैं इसी में रहती हूँ जब मैं ताज में होती हूँ। हमने हर जगह एक बेसिक रूम ही लिया है, दैट इज द थिंग बिकॉज इट इज अ ह्यूज ट्रिप। सो यहाँ पे वार्डरोब है, यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ क्या है इतना टेढ़ा मेढ़ा, ऊ फैंसी। दिस इज अ बेसिक रूम, दिस इज द बेड, पीछे वुडन वुडन, इनका काफी इंटीरियर वुडन वुडन है। पार्किंग व्यू, ओ माय गॉड, सो मेनी कार्स। किसी मॉल का पार्किंग है नीचे ऐसे है, बट गाइज आई हैव टू टेल यू इतना सही यहाँ पे नीचे डेकोर हो रहा है। रिसेप्शन एरिया इज ह्यूज यहाँ पे एंड इतनी सुंदर वॉल्स है, इतना सुंदर लाइटिंग, और
जैसे ही हम एंटर किए यहाँ पे इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही थी बिकॉज ऑफ द फ्लावर डेकोरेशन. सो मैं तो जब भी रेडी होंगे अभी पूजो के लिए ना, आज हम रेस्ट कर रहे हैं, कल जाएंगे, दो तीन रातों के लिए हम यहाँ पे हैं. सो वी गोना एंजॉय अ लॉट. तो जब भी मैं रेडी होंगी आई प्लान टू जस्ट गेट क्लिक्ड ऑल ऑफ माय फोटोज देयर, ताकि पंडाल में अगर बहुत भीड़ हो तो मैं ना खींचूँ. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट पीपल जो अपना सेलिब्रेट करने आ रहे हैं. सो आई क्लिक पिक्चर्स हियर ओनली एंड देन आई विल रेस्ट. सो अभी तो आई थिंक हम अपना बचा कुछ आलू ओलियो जो पैक करा के लाए थे वही खाएंगे. देयर इज नथिंग टू दिस नाइट नाउ, बट आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द व्लॉग यू गाइज. आई रियली होप आप लोगों ने ये एंजॉय किया हो. स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 ऑफ दिस नवरात्रि ट्रिप व्लॉग. अब मैं आपको कोलकाता का दिखाऊंगी एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय. फोटो खिंचा रहा हूं. दिस इज कोशा मुर्गी एंड दीज आर बेक्ड पराठा. अगर ऐसी प्लेट्स बन गई तो यहाँ जाएगी तो ये तो ऐसे अच्छा लगेगा नहीं. गाइस हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है. जब तैयार हो रही थी शान वो स्लीपिंग, देन उसने अपनी आंखें जैसे ही खोली मैं सुंदर सी सामने खड़ी थी.